गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। आज हम लोग हिंदी में पाठ नौ शुरू कर देंगे, संज्ञा विकार वचन। वचन मीन्स नंबर। पाठ नौ है ये आपका, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। वचन भी संज्ञा का विकारक तत्व है, क्योंकि वचन के कारण भी संज्ञा शब्दों में परिवर्तन आता है। ये बात साफ है कि वचन भी संज्ञा का विकार का शब्द है, क्योंकि वचन के कारण भी संज्ञा में परिवर्तन आता है। वचन की पहचान के लिए और संज्ञा शब्दों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। क्या क्या परिवर्तन आता है, चलिए देखते हैं। बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। बालक दौड़ता है, बालक दौड़ते हैं। घर में चोर घुसा है, घर में चोर घुसे हैं। इन वाक्यों में एक तरफ एक व्यक्ति वस्तु प्राणी का बोध करा रहे तथा दूसरी तरफ दूसरे वाक्य में एक से अधिक का बोध करा रहे। अतः शब्द का वह रूप जिससे वस्तु व्यक्ति प्राणी आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। देखिए, जो शब्द किसी वस्तु व्यक्ति या प्राणी आदि के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन, वचन के भेद कितने हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से। एक वचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर नंबर। शब्द के जिस रूप से हम एक वस्तु व्यक्ति प्राणी या पदार्थ आदि का पता चलता है उस वह एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, केला, बच्चा, साइकिल, गाय, पुस्तक। बच्चा खेलता है, एक वचन। किसान हल चलाता है, एक वचन। बहुवचन प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक वस्तु व्यक्ति प्राणी और पदार्थों के अनेक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे केले, बच्चे, साइकिलें, पुस्तक आदि। वचन परिवर्तन पुल्लिंग शब्दों में वचन परिवर्तन। जैसे देखिए, पुल्लिंग है लोटा, लोटे, लड़का, लड़के, तारा, तारे, जूता, जूते, ताला, ताले, चना, चने, रास्ता, रास्ते। ठीक है, स्त्रीलिंग में दवा, दवाएं, कन्या, कन्याएं। क्या जुड़ गया, आए जुड़ गया। ठीक है, मेज, मेजे, सड़क, सड़कें, लेख, लेखिकाएं, रात, रातें। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनमें ध्यान रखें। कुछ शब्द का प्रयोग बहुवचन में ही होता है, अर्थात एकवचन और बहुवचन, इन शब्द का रूप एक जैसा ही रहता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एक मिनट। वृद्ध के प्राण निकल गए, वृद्धों के प्राण निकल गए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, हमने हस्ताक्षर कर दिए। लोग उसके घर पास आसपास खड़े थे। लोग उनके घर के आसपास खड़े रहे थे। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आज गुरुजी नहीं आएंगे, डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर चला गया, ऐसा हम लोग कदापि नहीं बोलते और कहलाते हैं, कहलाता हम लोग कभी नहीं बोलते। ठीक है, बहुवचन और एक वचन के रूप में प्रयोग।
कई बार बहुवचन शब्दों को एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। समूहवाचक शब्द जैसे दल, सेना, गुच्छा, परिवार आदि। मनुष्य जाति निरंतर उन्नति कर रही है। चाबियों का गुच्छा मेज पर रखा है। हमारा परिवार घूमने गया था, पूरा परिवार है लेकिन गया था, रखा है, ठीक है। मजदूरों का दल नेताजी से मिला, मिले नहीं है। सत्य, प्रजा, जनता, वर्षा, पानी, आकाश, ईश्वर आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव ही एक वचन में होता है। अगली कक्षा में हम एक वचन बहुवचन के बारे के रूप के बारे में, प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ध्यान देने योग्य बातें, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आदर प्रकट वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। वचन की पहचान संज्ञा के शब्दों और क्रिया पदों से होती है। वचन की परिभाषा उदाहरण समेत दीजिए, तो वचन की परिभाषा ये दी गई है आपके पहले वाले पॉइंट में। उदाहरण आप लोग कैपेबल हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। वचन के कितने भेद होते हैं, दो दो उदाहरण दीजिए वचन के, ये रहे दो भेद और उनके उदाहरण आप कॉपी में ये कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर और ये बुक में, ठीक है। इन शब्दों के वचन बदलने हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको बुक में करिएगा, इसको कॉपी में करिएगा और इसी के साथ आपका पार्ट 9 समाप्त होता है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।